हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। दिस इज रेनु मेहरा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ एक, पाठ दो, पाठ तीन और पाठ 19 का दोहरान करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम दोहरान करेंगे पाठ एक, हमारी भाषा। तो आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पृष्ठ संख्या 2 खोलेंगे, वहाँ है हमारा पाठ, पाठ एक, हमारी भाषा। तो बच्चों, भाषा क्या होती है ये हम सभी जानते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या होती है? अपने मन के भावों और विचार को प्रकट करने का साधन। और हम सभी जानते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक अर्थात बोलना व सुनना, और लिखित लिखना और पढ़ना। तो ये हमारे हो गए भाषा के 2। तो आइए बच्चों, कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जिसे हमें ये पता चलेगा कि ये मौखिक है या लिखित भाषा है। जैसे पहला उदाहरण है हमारा समाचार सुनना। हम सभी टीवी पर समाचार सुनते हैं, और मैंने अभी बताया कि सुनना कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा। तो हम इसको यहाँ पर मैच करते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पुस्तक पढ़ना। आप सभी पुस्तक पढ़ते हैं, आप सभी पढ़ते हैं, तो पढ़ना क्या होता है? लिखित भाषा, क्योंकि वहाँ हम लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार पत्र लिखना क्या कहलाएगा? लिखित भाषा। और गीत गाना, क्योंकि यहाँ हम बोलकर बता रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी मौखिक भाषा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ, हमारी भाषा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, अब हम पाठ 2 वर्णमाला तथा मात्राएं का दोहरान करेंगे। इसके लिए अब आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 4 खोलेंगे, वहाँ है पाठ 2 वर्णमाला तथा मात्राएं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसे हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर जो हैं संख्या में क्या होते हैं? 11 होते हैं। आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 5 पर देख सकते हैं कि क्या है वहाँ पर, अ से लेकर के अह तक हमारे क्या हैं? स्वर होते हैं, और ये संख्या में 11 हैं, और इनकी अपनी ही मात्राएं होती हैं। उसके साथ ही दूसरा है हमारा व्यंजन, जो संख्या में 33 होते हैं, जिन्हें भी आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 5 पर देख सकते हैं। क से लेकर के ह तक जो हैं ये सभी व्यंजन कहलाते हैं, और इन सभी को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। 2 अतिरिक्त व्यंजन भी हमारे पास होते हैं, जो आप देख सकते हैं कि आपकी पुस्तक में दे रखे हैं, ड़ और ढ़। ठीक है बच्चों, स्वर और व्यंजन मिलकर के ही वर्णमाला बनाते हैं, जिसे हम एक साथ जब स्वर और व्यंजनों को लिखते हैं तो इनको एक साथ क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहीं पर आप पृष्ठ संख्या 5 पर देख सकते हैं बच्चों कि कुछ संयुक्त व्यंजन भी आपको दे रखे हैं, जो कि हैं आपके श, त्र, ज्ञ और श्र। ये व्यंजन जो हैं 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके साथ है हमारा अनुस्वार अर्थात अंग की बिंदी। कई सारे शब्दों पर अंग की बिंदी लगती है, जैसे कि अंगूर या सुंदर, ये क्या कहलाती है? अंग की बिंदी, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। एक होता है हमारा अनुनासिक, जो कि चंद्रबिंदु भी हम जिसे कहते हैं, जैसे कि चांद दिखता है, आपने देखा है चंद्रबिंदु कैसा होता है। इस तरीके से हम किसी शब्द पर लगा देते हैं आधे चांद की तरह, जिसे हम क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो होते हैं बच्चों शब्द, आगत जो हैं कहलाते हैं। आगत मतलब जिसके ऊपर आप अक्सर देखते होंगे, कई सारे शब्दों के ऊपर चंद्र तो लगा होता है लेकिन बिंदु नहीं होता, तो इसे हम क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। जैसे कि आ लिखते हैं हम, ये अ, आ के ऊपर हमने ये चंद्र लगा दिया, ये कहलाएगा हमारा आगत। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि स्वरों की मात्राएँ किस तरीके से लगाई जाती है। तो बच्चों, अब हम जो हैं स्वरों की मात्राएं देखते हैं, जो कि आपकी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 6 पर दे रखी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अ वर्ण जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि सभी व्यंजनों में अ की आवाज़ ज़रूर आती है। उसके बाद हमारा आता है स्वर आ, आ का डंडा लगाते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं आग, यहाँ हमने आ की मात्रा लगाई। इसके अलावा काम या काला, इन सभी में क्या होता है? आ की मात्रा होती है। इसके बाद है ई, छोटी ई,
तो इसके लिए हम जैसे कि किसान, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है जिसकी आवाज़ जल्दी आती है ई। उसके बाद आती है बड़ी ई, ई इसकी जो इसका जो उच्चारण होता है वो कैसा होता है ई, जैसे कि कीमत या लड़की। उसके बाद है ऊ, छोटा ऊ है बच्चों, तो इसकी आवाज़ भी बहुत जल्दी आएगी ऊ, जैसे कि हम देख सकते हैं कुल, ये क्या है छोटे ऊ की मात्रा। इसके बाद है बच्चों बड़े ऊ की मात्रा, इसका उच्चारण जो हम करते हैं वो थोड़ा खींच कर करेंगे ऊ, जैसे कि आप देख सकते हैं कूप, ये क्या है बड़े ऊ की मात्रा। उसके बाद है ऋषि की मात्रा जो नीचे एक घुंडी की तरह लगाई जाती है, जैसे उदाहरण है हमारा वृक्ष या फिर कृपा। ए छोटा ए है बच्चों, तो ऊपर एक ही डंडा लगेगा, जैसे कि केसर या केला। उसके बाद बड़ा ए, यहाँ दो लगेंगे, जैसे कैसा, उच्चारण कैसा होगा बच्चों कैसा या जैसा, ठीक है। ओ छोटा ओ है, तो यहाँ पर हम ओ की मात्रा आ की मात्रा और ए की मात्रा मिलाकर बनाते हैं, जैसे कि कोना या सोना, ये सभी क्या हैं छोटे ओ की मात्रा के शब्द हैं। फिर है बड़े ओ की मात्रा जिसे औ कहते हैं, कौन, ये क्या कहलाती है बड़े ओ की मात्रा। इसके बाद आते ही बच्चों अंग की मात्रा, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। अंग की मात्रा को हम अनुस्वार भी कहते हैं, जिसमें हम किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगाते हैं, जैसे कि कंगन, अंगूर, ये क्या है अंग की मात्रा। इसके बाद है बच्चों चंद्रबिंदु वाली चंद्र की मात्रा, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं और चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे कि चांद, इस पर हमने क्या लगाया है चंद्रबिंदु लगाया है, इसे क्या कहेंगे चांद, या आँख, ये क्या है अंग चंद्रबिंदु के उदाहरण। तो बच्चों यहाँ आपने देखा कि सभी जो स्वर हैं उनकी मात्राएं होती हैं और उन मात्राओं किस प्रकार लगाया जाता है और किस प्रकार उनका उच्चारण किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम आपकी पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं, पृष्ठ संख्या 7 पर देखिए। प्रश्न नंबर 1, स्वर और व्यंजन छांटकर अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं, उनको आपको छांटना है और स्वर के स्थान पर स्वर लिखना है और व्यंजन के स्थान पर व्यंजन लिखने हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उनके आगे दो शब्दों के विकल्प दिए हुए हैं, एक विकल्प को चुनकर के आपको इसमें लिखना है। फिर आएंगे हम पृष्ठ संख्या 8 पर, वहाँ प्रश्न 3 है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर कुछ वर्ण दे रखे हैं जिनको जोड़कर के हमें शब्द बनाना है, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हम वर्णों को जोड़कर के शब्द बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क धन ई धन स धन आ धन न धन अ। अब हमें इन वर्णों को जोड़ना है और शब्द बनाना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि मैंने क लिखा है और क के नीचे एक डंडा लगाया है, इसे हम हलंत कहते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास अधूरा वर्ण होता है, अर्थात वो व्यंजन जो पूरा न हो। तो इसके लगाने का मतलब ये होता है कि ये वर्ण हमारा पूर्ण नहीं है, और व्यंजन को पूर्ण करने के लिए हम क्या लगाते हैं उसमें स्वर की मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा दी गई है, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क पर छोटी की मात्रा। उसके बाद यहाँ आधे स में हमें कौन सी मात्रा लगानी है, आ की मात्रा लगानी है, तो यहाँ पर स में आ की मात्रा। और फिर है न, न के बाद है अ,
अब वर्ण अ जो होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उसके जुड़ने से ही जो है व्यंजन पूर्ण होता है। तो ये हो जाएगा हमारा किसान। तो इस प्रकार हम वर्णों को जोड़ करके शब्द बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप देखिए प्रश्न संख्या 4, स्वरों को उनकी मात्राओं से मिलाइए। आपको कुछ स्वर दे रखे हैं और एक तरफ आपको मात्राएं दे रखी हैं, उनसे आपको इन्हें मिलाना है। उसके बाद है प्रश्न 5, मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे कि आपको चित्र भी दे रखा है और शब्द भी दे रखा है, लेकिन उसमें मात्राएं नहीं है, उन्हें आप बनाएंगे। जैसे कि झ और ल, तो झूला, उस पर मात्रा लगाने से हमें शब्द पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार आप बाकी के शब्द भी पूरे करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, वर्णों को अलग करके लिखिए। तो जिस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ हमने वर्णों को जोड़ करके जो है शब्द बनाया था, अब हम इसका उल्टा करेंगे, शब्द से हम वर्णों को अलग अलग करेंगे। जैसे कि हमारा शब्द हो सकता है स म य। अब हमें इसके वर्ण अलग अलग करने हैं बच्चों। जैसे मैंने यहाँ आपको पहले बताया है कि वर्ण को आधा लिखने के लिए हम हलंत लगाते हैं, तो सबसे पहले तो हम स पर हलंत लगाएंगे, तो ये हमारा वर्ण आधा हो गया, धन लगाया। अब इसमें से हमने स्वर को अलग किया है, तो कौन सा स्वर है इसमें, अ, फिर धन, म, म पर भी हमने हलंत लगाया, फिर धन, उसमें से भी हमने स्वर को अलग कर दिया, और इसी प्रकार य में से भी हमने स्वर को अलग कर दिया। तो ये हो गया हमारा व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। बच्चों अब हम पाठ 3 संयुक्त व्यंजन का दोहरान करेंगे। इसके लिए आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 9 खोलेंगे, वहाँ पर है पाठ 3 संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जब हम दो व्यंजनों को एक साथ लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, क जो कि आधा है क्योंकि हमने हलंत लगा दिया है, तो क और श मिलकर हमारा संयुक्त व्यंजन बनता है श। जैसे कि कक्षा, जिसमें आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, या क्षमा, ठीक है। उसके बाद है आधा त और र मिलकर बनता है त्र, जैसे कि मित्र या पत्र। आधा ज और इय मिलकर बनेगा ज्ञ, जैसे कि ज्ञान या विज्ञान। और आधा श और र मिलकर बनेगा श्र, जैसे कि श्रम, श्रमिक। तो ये हैं हमारे 4 संयुक्त व्यंजन, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। और अब हम आ रहे हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक संयुक्त व्यंजन हमारा होता है पाई वाला, पाई हटाने के बाद लिखने वाला। जैसे कि हम यहाँ स देख सकते हैं, ये जो डंडा होता है बच्चों ये कहलाती है पाई। अब अगर इसे हम हटा देंगे तो ये व्यंजन हो जाएगा आधा, तो बन गया आधा स। और इसके साथ हमने जोड़ दिया है पूरा स, तो हमारा संयुक्त व्यंजन क्या बन गया, सस। तो इसका उदाहरण हो सकता है जैसे गुस्सा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक वर्ण हमारे वो होते हैं बच्चों जिसमें घुंडी होती है, इस तरह की घुंडी। अब इसको हम हटा देते हैं, जैसे कि ये बन गया हमारा आधा क, उसको हमने पूरे क से जोड़ दिया, तो ये हो गया कक, जैसे कि मक्का या पक्का। उसी प्रकार कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें ना तो पाई होती है और ना ही घुंडी होती है, जैसे कि ड। इसके नीचे हम हलंत लगाते हैं, तो ये जो है वर्ण हमारा आधा हो गया, इसको हमने ड से जोड़ दिया, डड, जैसे कि गड्ढा, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये संयुक्त व्यंजन समझ में आ गए होंगे। अब हम हमारी जो है अभ्यास प्रश्न पर आते हैं, पृष्ठ संख्या 10 पर। प्रश्न नंबर 1, संयुक्त व्यंजन बनाइए। यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजन दे रखे हैं, उनसे आपको जोड़ करके उन्हें बनाना है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आधा क और श मिलकर बनता है श, इसी प्रकार बाकी के वर्ण भी बनेंगे। प्रश्न नंबर 2, संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाइए। चित्र दे रखे हैं और संयुक्ताक्षर भी दे रखे हैं, उनको चित्र को देकर आपको वो शब्द बनाना है। जैसे पहले हमें दे रखा है तत, तो चित्र के अनुसार क्या बनेगा, वो पत्ता, क्या
क्या बनेगा बच्चों? पत्ता। इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्नों को भी पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, संयुक्ताक्षरों को अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनमें से आपको संयुक्ताक्षर अलग करने हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता, तो इसमें संयुक्त अक्षर कौन सा है? आधा स और त, तो हमारा संयुक्ताक्षर हो गया यहाँ पर सत। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 4। उदाहरण के अनुसार एक शब्द बनाइए। आपको यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का उदाहरण दे रखा है और उससे आपको एक शब्द बनाना है। जैसे आपको उदाहरण दे रखा है त, आधा और र, तो इससे बनता है हमारा त्र, तो शब्द बन गया हमारा मित्र या त्रिशूल या पत्र। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अभ्यास प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें पूर्ण कर लेंगे। अब हम दोहरान करेंगे पाठ 19 का, जिसके लिए आप अपनी पुस्तक पर पृष्ठ संख्या 74 पर आएंगे। यहाँ पर है पाठ 19, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ। तो बच्चों, पाठ 19, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ। कई बार क्या होता है कि हम कई सारे शब्दों को गलत बोलते हैं, गलत पढ़ते हैं और फिर हम लिखते भी गलत ही हैं, और उनका सही उच्चारण करने के लिए हमें उनकी मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो यहाँ आपको कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे आइए से लेकर चिट्ठी तक के जो शब्द हैं वो आपको टर्म 1 में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप टर्म 1 लिख सकते हैं। और अब हम उन शब्दों को पढ़कर देखते हैं कि उनमें क्या क्या अशुद्धियाँ हैं। पहला शब्द है आइए, यहाँ पर बड़ी ई और बड़ा ए दे रखा है, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आइए, छोटी ई और छोटा ए। ईश्वर, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी ई है, जबकि इसके शुद्ध रूप में हमें क्या लिखना है? बड़ी ई, तो इसका उच्चारण हो जाएगा ईश्वर। एनक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये छोटा ए है और इसकी जगह हमें क्या लिखना है? बड़ा ए लिखना है, तो ये शब्द हो जाएगा एनक। इसी प्रकार शब्द है हमारा कछुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध रूप में आएगा अ, तो शब्द बन जाएगा हमारा कछुआ। अगला शब्द है कहानी, कहानी नहीं होता बच्चों, क्या होता है? कहानी, तो यहाँ पर क के ऊपर जो आ का डंडा दे रखा है वो किस जगह आएगा? ह के बाद, तो हमारा शब्द बन गया कहानी। इसी प्रकार कुआं, यहाँ पर क के ऊपर क्या है? चंद्रबिंदु, ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप में क्या आता है? अ के ऊपर चंद्रबिंदु आती है, तो शब्द बना कुआं। कौवा, आधा व और पूरा व, ये गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है? कौआ, व की जगह क्या आएगा? अ। गुरु, यहाँ पर आप देख सकते हैं र पर बड़े ऊ की मात्रा है, जबकि शुद्ध रूप में र के ऊपर आती है छोटी ई की, छोटे ऊ की मात्रा, तो बन जाएगा गुरु। चाहिए, ह के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, जो कि गलत है, कौन सी मात्रा आएगी ह पर? छोटी ई की मात्रा आएगी, तो शब्द बनेगा चाहिए। चिट्ठी, आधा ठ और पूरा ठ, जो कि गलत है, अशुद्ध है, शुद्ध रूप में आएगा आधा ट और पूरा ठ, तो शब्द बनेगा चिट्ठी। तो इस प्रकार हम इन्हें सही बोल सकते हैं, और जब हम सही बोलेंगे और सही उच्चारण करेंगे तो हम इन्हें लिखेंगे भी सही और इन्हें पढ़ेंगे भी सही रूप में। तो अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, पृष्ठ संख्या 75 पर देखिए। प्रश्न 1, सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। आपको 2 शब्द दे रखे हैं, उनमें कुछ अशुद्धियां हैं, तो जो शब्द सही है वो छांट करके आपको खाली स्थान में लिखना है। प्रश्न नंबर 2, छात्रों को श्रुतलेख में 10 शब्द लिखवाए जाएं। तो यहाँ पर 10 खाली स्थान दिए हुए हैं, आप कोई भी 10 शुद्ध शब्द जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।